हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी ऑरेंज कपकेक की रेसिपी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ऑरेंज कपकेक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में मैं डालूँगा 1/2 कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी। अब इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप कर्ड यानी दही। अब इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप ऑरेंज जूस। अब इसमें डालूँगा मैं 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। तो इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालूंगा मैं 1/2 कप रिफाइंड फ्लावर यानी मैदा। इसमें डालूंगा मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा। इसमें कोई लम्ब्स नहीं रहने चाहिए। तो हमारा बैटर है वो अभी गाढ़ा लग रहा है, तो इसके अंदर मैं डालूँगा लगभग 1/3 कप दूध और इसका हम अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका मैं एक अच्छा सा बैटर बना के तैयार कर लिया है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए। तो अब इसमें एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें डालूंगा मैं 1/4 टीस्पून येल्लो फूड कलर और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं, तो मैंने जस्ट कलर के लिए डाला है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके अंदर डालूंगा मैं ऑरेंज जेस्ट। ऑरेंज जेस्ट का मतलब होता है ये जो ऑरेंज लिए हैं यहाँ पे मैंने, इसके ऊपर का जो हल्का हल्का छिलका है इसको हम कद्दूकस करके यानी ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। तो बस हल्का हल्का हमें इसको ग्रेट करना है। तो आप देख सकते हैं नीचे इसके छिलके हैं वो निकल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इसका एक बहुत ही सुंदर सा टेस्ट आता है केक के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लेमन जेस्ट को इस तरह कद्दूकस कर लिया है यानी कि इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगा। तो दोस्तों, इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा बैटर एकदम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने कपकेक बनाने के लिए इस तरह के सिलिकॉन के मोल्ड्स लिए हैं। आप चाहें तो कोई पेपर के भी मोल्ड्स ले सकते हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिलिकॉन के मोल्ड्स यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैंने लगा दिया है मफिन ट्रे में या फिर कपकेक ट्रे में और इसके अंदर हम भर देंगे बैटर। तो बैटर हमें 3/4 ही भरना है यानी 1/4 हिस्सा इसका खाली रखना है, क्योंकि हमारा कपकेक जब फूलेगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह मैंने बैटर को भर दिया है 3/4। तो सारे कपकेक मोल्ड को मैं इस तरह भर दूंगा। तो दोस्तों, अब इनको मैं बेक करूँगा 180 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन में लगभग 25 मिनट के लिए। दोस्तों, लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। तो इसको मैंने कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है। ये हमारे बेक होकर तैयार हो चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सिलिकॉन मोल्ड्स में ये आसानी से निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल गए। तो दोस्तों, हमारा जो कप केक है बहुत ही सॉफ्ट बना है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।